मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा आज का स्टॉक है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। स्टॉक के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं और स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम है। स्टॉक का ग्राफ बता रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। आइए स्टॉक का स्वॉट एनालिसिस चेकआउट कर लेते हैं। थ्रेड्स स्टॉक में 0 है, वीकनेस 1 है, अपॉर्चुनिटीज 6 हैं, स्ट्रेंथ 17 है। स्वॉट एनालिसिस भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। आइए स्टॉक की स्ट्रेंथ चेकआउट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। स्टॉक का आरओसीई लास्ट 2 साल से इम्प्रूव हो रहा है। कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स ऑफ निफ्टी 500। अब मेन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ। डेप्थ लो है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। And FIIs, foreign institutional investors as well as foreign portfolio investors, increasing their shareholding. Promoter pledge भी 0 है। Weakness checkout कर लेते हैं। Stock in the sell zone, based on the days traded at current PNPBV. अपॉर्चुनिटीज हाई मोमेंटम स्कोर, थर्टी डे SMA क्रॉसिंग ओवर 200 डे SMA एंड करेंट प्राइस ग्रेटर देन ओपन। मुख्य पॉइंट पर मैं फोकस कर रहा हूँ। थ्रेड्स तो 0 है। आइए स्टॉक के टेक्निकल्स पे चलते हैं। सीधा RSI और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक बाइंग जोन में है। BSE और NSE के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम लास्ट 6 मंथ्स की 36%, लास्ट 1 मंथ 45%, लास्ट 1 वीक 35%, लास्ट वर्किंग डे यानी 31 जुलाई को कल यस्टरडे का 47.3% रहा है। स्टॉक की अच्छी खासी डिमांड है, डिलीवरी वॉल्यूम शो कर रहा है। स्टॉक अपने 10 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑसिलेटर ट्रेंड स्टॉक को पॉजिटिव बता रहा है। पिवट लेवल 297.93 है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही कि स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉक में म्यूचुअल फंड हाउसेस की होल्डिंग 3.65% है, RFIs की 0.75, प्रमोटर की होल्डिंग तगड़ी है 65.03%। सो फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड वो स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो हमारी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है और एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। मेरी एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपनी स्वयं की एनालिसिस जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर एनालिसिस चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम, मैं जरूर उस पर एनालिसिस करूँगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में। धन्यवाद।